बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो TNA रिकॉर्ड्स चैनल से है और वीडियो का नाम है रोज़ा रखो कन्फर्म जन्नती फेम यासिर शोहर वर्दी न्यू रमज़ान 2021 पोएम फॉर किड्स। ओके, तो इनका पहले ना एक सॉन्ग आया था कन्फर्म जन्नती है। तो अब ये नया सॉन्ग लाए हैं और रमज़ान के पाक महीने में ये नया सॉन्ग लाए हैं जिसका नाम है रोज़ा रखो। तो देखते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। रमज़ान 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 बताया। ठीक है, हालांकि इनके बताने का अंदाज अपना अंदाज है इनका बताने का, बट बिल्कुल सही बताया। तो रोज़ा रखो तो ऐसा रखो कि अल्लाह खुश हो, और ये मत सोचो कि मतलब ना आप पीठ पीछे आया, मतलब काफ़ी बार ये दिखाया कि कुछ कोई गलत काम कर रहा है ना, पहले आसपास दिख रहा है कोई है तो नहीं, फिर वो कर लेता है। सपोज़ कोई खाने का है, जैसे एक बंदा खाने के पीछे दीवार के पीछे खाने को जा रहा था, खा रहा था, तो एक अंकल आ गया, उसे भगा दिया और वो पकड़ लिया, देखा कोई नहीं तो खुद खाने लगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। दिल से ये होना चाहिए कि भाई मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे अल्लाह ज़रूर देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह का डर होना चाहिए। बिल्कुल। एक बाबा क्या था, वो बड़ी सी परात लेके उसमें कुछ
थी, चने वाले थे, उन्होंने गिरा के ड्रामा करने लग गए कि मेरा गिर गया और कोई आ गया कि उसने पैसे दे दिए। तो ऐसा मत करो फिर, ये ना ये हराम की कमाई होती है फिर, ये हलाल नहीं है फिर। आप गलत काम करके अगर आप वो लेके ना गलत सिंपैथी लेके अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये चीज़ें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे को याद आ रहा है एक किसी मुफ्ती साहब का ही था कि एक वो सुना रहे थे कि एक कोई गुरु था, मतलब एक कोई उनके चेले थे, तीन चेले थे उनके, तीन या कुछ काफ़ी जाते थे, उनमें ये था कि ना गुरु हमेशा एक चेले को ही ज़्यादा वो करते हैं कि आप उसको ही ज़्यादा करते हो, हमें क्यों नहीं करते ज़्यादा, हमारा नाम क्यों नहीं करते, उसका नाम ज़्यादा क्यों आता है। उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप ना कहीं से जाओ और एक पाक मुर्गी पकड़ो, मतलब हलाल मुर्गी पकड़ो, उसे हलाल तरीके से काट के आप उसका गोश्त बना के मुझे खिलाओ, किसी को दिखना नहीं चाहिए और किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो उसमें एक बंदा जो क्या करता है, पहले मुर्गी लेता है, मतलब पैसे देके मुर्गी परचेस करी, देखा किसी कबीले वबीले में, वो पहले की बात है कबीले वबीले में कोई नहीं होता, तो कबीले के पीछे दीवार के पीछे खड़ा होकर मुर्गी हलाल करके उसका गोश्त बना के ले आता है। दूसरा पूरे कबीले से बाहर चला जाता है जंगल में और वहाँ मुर्गी हलाल करके गोश्त बना के ले आता है। तीसरे वाला ये एक एक दिन में दोनों कर लेते हैं, तो तीसरे वाला एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, सात दिन हो जाते हैं उसको। सात दिन के बाद वो बंदा वापसी आता है और कहता है कि मैं आपके लिए मुर्गी नहीं लाया। तो वो दूसरे जो दो होते हैं ना दोस्त, वो हंसने लगते हैं, पड़े पड़ते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हमें तो एक दिन में हमने बना के खिला दिए, सात दिन बाद भी मुर्गी नहीं ला पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मुर्गी नहीं दे पाया क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहाँ पर अल्लाह मुझे नहीं देख रहा था। उन्होंने कहा था ना किसी ऐसी जगह पर काटना कि कोई आपको देख ना पाए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं, मैं गहराइयों में गया, पहाड़ियों पे गया, मुझे इसको जगह मिली नहीं जहाँ पर अल्लाह मुझे नहीं देख रहा। तो आपके ना दिल के अंदर ये चीज़ फील होना चाहिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है। एक अंधेरे कमरे में भी अगर आप निवाला आपका मुंह तक जाता है ना, उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मुझे अल्लाह ज़रूर देख रहा है। तो इस चीज़ का डर ज़रूर रहना चाहिए। वैसे भी फास्ट कोई आपसे फोर्स करके तो रखवा नहीं रहा। फास्ट अगर आपने रखना है तो अपने दिल से रखना है, आप खुद से मान के रखो। जैसे हम लोग भी फास्ट रखते हैं जिस तरह से हो पाता है, तो हम कभी ये सोच कर नहीं रखते कि हमने किसी को दिखाने के लिए कि हमने फास्ट रखा है। आप अपने अल्लाह को दिखाने के लिए फास्ट रखो, और जिस तरह से आपने अल्लाह को खुश करना है उस वे में फास्ट रखना तो वैल्यूबल रहेगा। अगर आप रोज़ा रख रहे हो और फिर चुप चुप के खा रहे हो या पी रहे हो या फिर रोज़े के टाइम में आप कुछ अगर सेल करते हो, कुछ बिजनेसमैन हो तो उसमें प्रॉफिट ले रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, या जिस तरह से भी होती हैं चीज़ें, तो फिर उस रोज़े का कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल, तो वो रखना ना रखना इक्वल है। दिखावे के लिए नहीं जीना, मतलब ना दिखावे के लिए नहीं करना, करना है अपने दिल के लिए, अपने अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं करनी चीज़। हाँ बिल्कुल। बाकी ये अच्छी थी इनकी वीडियो, और अच्छी थी, बढ़िया थी, और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो ये नौजवान ही हैं, काफ़ी शायद छोटे ही हैं, तो अभी से ही ये अल्लाह की राह पे आगे और अल्लाह के लिए इतने अच्छे अच्छे गाने एक तरह से बना रहे हैं, तो नाथ एक तरह से कह लिए ऐसे कुछ बना रहे हैं ये, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इनका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। तो चलते हैं, TNA रिकॉर्ड्स चैनल से थी ये वीडियो, तो आप इनके चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।